कचड़ापाड़ा म्युनिसिपैलिटी में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाने का दावा कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ माह कबल कचड़ापाड़ा म्युनिसिपैलिटी के 22 तृणमूल काउंसिलरों में से 17 काउंसिलर है पार्लियामानी इंतखाबात के बाद बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से वहां बीजेपी की एक सीट बढ़कर 18 हो गई थी और इसने बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन इसके एक माह गुजरते ही बीजेपी में गए 17 में से पहले 5 ने तृणमूल में वापसी अख्तियार करी और फिर अब गुजरे रोज शनिचर के दिन 9 जिसमें से एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल करी रखी थी और उसके साथ ही एक बार फिर से कचड़ापाड़ा म्युनिसिपैलिटी पर तृणमूल कांग्रेस बोर्ड बनाने में कामयाब हो गई। तहम इस ताल्लुक से एक तरफ जहां तृणमूल एमपी अभिषेक बनर्जी ने पार्टी काउंसिलर को डरा धमका कर बीजेपी में ले जाने की बात कही, वहीं इस पर बीजेपी लीडर मुकुल राय ने तृणमूल सरकार पर पुलिस और इंतजामिया का खौफ दिखाकर उन लोगों को वापस लाए जाने की बात कहते हुए उन्हें बीजेपी में दोबारा आने का यकीन जाहिर किया। 107 জন বিধায়ক নাকি তার সাথে যোগাযোগে রয়েছেন। আপনি যে কাউন্সিলর নিয়ে যাচ্ছেন, 10টা কাউন্সিলর রক্ষা করার যার ক্ষমতা নেই, সে 107টা বিধায়ককে টানবে? তিনি নিশ্চিতভাবে সাংবাদিকদের কথায় চাণক্য, কিন্তু চাণক্য মেড ইন চায়না। এরা তো নির্বাচনে ছিল না, নির্বাচনের পরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিজেপি দেখিয়েছে। কিছু কিছু রণনীতি থাকে আর কিছু কিছু রণকৌশল থাকে, একটু অপেক্ষা কর। এইটা আপনাদের কি রণনীতি বা রণকৌশলের অঙ্গ? ডেফিনেটলি। ফেরত যাওয়াটা?